स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम स्वरूप प्रतीक का त्योहार है। ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। हर गर्भवती माँ पूरे प्यार से इस कथा का आनंद जरूर उठाए। गर्भ पर हाथ रखते हुए ये पांचे कथाएं, गर्भ पर हाथ रखते हुए यहाँ पर दी गई पांच कथाएं अपने गर्भस्थ शिशु को समझाते हुए भाई बहन के प्रेम का अनन्य त्योहार मनाएं। रक्षाबंधन की पहली कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की यह कथा सुनाइए, जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव, हे श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सूरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्ष तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे, न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को इंद्रराज ने यहाँ पर दिए गए रक्षा मंत्र से इस विधान को संपन्न कर दिया। ये रक्षा मंत्र इस प्रकार है। येन बद्धो बली राजा दानवेद्रो महाबल तेन ताममन्विद्वामी रक्षिमाचल माचल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। ये थी रक्षाबंधन की पहली कहानी। दूसरी कहानी इस प्रकार है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की दो रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्ज कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घर में थी। उसने दूसरी रियासत के शासन को, जो मुगलों की सहायता हेतु जा रहा था, उन्हें राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। तीसरी कहानी कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। चौथी कहानी धर्मवती हुमायूं की कहानी है। मध्यकालीन इतिहास की ये घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। ये थी
रक्षाबंधन की कहानियाँ। आशा रखते हैं कि आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।